सो गाइस यार OB46 के अपडेट में आने वाली है न्यू क्रिकेटर लीला। इसका जो एबिलिटी है ये क्या होगा और फ्री में कैसे मिलेगी ये बताऊंगी। साथ में गाइस कटाना से आप लोग बहुत ही मस्त मार पाओगे अपडेट के बाद में ये बताऊंगी। और आप लोग अपना प्रोफाइल को पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, अपना जो भी आपके पास इमोट है बैकपैक की स्किन है वो आप अपने फ्रेंड को दिखा सकते हो। प्रोफाइल में जो भी दिखेगा वो उसको दिख जाएगा। और फिर गाइस को मैप के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पे लोकेशन में आप लोग को चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। फिर सो न्यू गन आने वाले ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चलती है, सो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और भी बहुत सारे न्यू चेंजेस आने वाले हैं अपडेट के बाद जो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं आप लोग को जो मिली वेपन है ना, लाइक आप लोग फेट की पैर से या फिर आप लोग जो कटाना है इससे आप लोग मारना चाहोगे तो यहाँ पे आप लोग को एक अलग सा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप लोग वेट की स्किन और कटाना की स्किन को यहाँ पे सो एम लगा के आप लोग मार पाओगे। लाइक आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, स्पेशली आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कटाना के या फिर वेट को पकड़ो के तो ऐसे आप लोग को पुश करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ऐसे यहाँ पे एम लगा के कटाना और जो वेट है इससे भी आप लोग मार सकते हो। एडवांस सर्वे में तो 60 का डेमेज दे रहा है, अगर अपडेट के बाद में गेम के अंदर आएगा तो 60 से ज़्यादा डेमेज देगा या फिर 60 डेमेज ही देगा। वही कटाना से भी आप लोग अचानक मार सकते हो। और फिर आप लोग को हेलोवीन स्पेशली पूरा यहाँ पे सजाया हुआ देखने के लिए मिल जाएगा इस वाली जगह में। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोग को पूरा ये सो पम्पकिन है इसका आप लोग को फेस देखने के लिए मिल जाएगा और पूरा फ्लैग फ्लैग भी है। और साथ में सो यहाँ पे हेलोवीन का यहाँ पे इतना बड़ा पुतला टाइप भी है जो खेत सब में होता है वैसे ही है। और बाकी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लग रहा है। और अपडेट के बाद में आप लोग को हेलोवीन स्पेशली यहाँ पे जो डेकोरेट है ये पूरा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और फिर गाइस को अपडेट के बाद में जो आर्सेनल है इसके अंदर में आप लोगों को की नहीं लगेगी कि आप बिना की के आप लोग खोल पाओगे। लाइक आप लोग को जो भी आपका गन रहेगा उससे आप लोग को फोड़ना है इसका बाहर में जो आप लोग को पत्थर का दीवार या फिर जो भी है इसको तोड़ोगे तो आप लोग सीधा आर्सेनल के अंदर चले जाओगे। फिर आप लोग को इस वाली जगह पर जो फुया है फुया लिखा हुआ आप लोग को एक अच्छा सा जो स्टेज है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जो फ्री फायर एक्सपोर्ट जो होने वाला है 2024 उसका है। बाकी इंडिया में तो इंडिया में नहीं होता है। बाकी आप लोग को ये वाला स्टेज देखने के लिए मिल जाएगा मैप के अंदर में इस वाली जगह पर। और फिर वैसे को आप लोग को फैक्ट्री के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। लाइक फैक्ट्री में आप लोग जैसे ही जाओगे तो फैक्ट्री में आप लोग को पूरा बर्फ बर्फ वाला जो यहाँ पे दीवार है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और लाइक आप लोग यहाँ पे सो बर्फ का पानी वगैरह वो देख सकते हो, क्या ही मस्त लग रहा है एकदम। पूरा फैक्ट्री आप लोग को बर्फ़ का सो चादर बर्फ का चादर नहीं दीवार है या फिर पत्थर का दीवार है ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग ये सारे बॉक्स वॉक्स को तोड़ोगे तो इसके अंदर से लूट भी निकलेगा। और पूरा फैक्ट्री जहाँ से फैक्ट्री स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पूरा ही आप लोग का जो बर्फ़ है ये सब आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और फोड़ने के लिए पूरा आप लोग को यहाँ पे जो स्नो स्नो है ये सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पे ऊपर से नीचे में तो पूरा है ही है, ऊपर में भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा बर्फ का जो पत्थर का दीवार टाइप चादर है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और फिर अगर आप लोग इसको फोड़ोगे तो ये जो नीचे का बॉक्स बॉक्स है इसको फोड़ोगे तो ये जाके आप लोग को लूट मिलेगा। लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको फोड़ा तो इसके अंदर से काफी लूट मिलेगी। और बाकी वो सब तो नहीं फूट रहा। और फिर जैसे को नेक्स्ट न्यू वेपन आने वाली है जो शॉट गन है और इसके अंदर एक ही एमओ रहेगा। बाकी ये जो डैमेज दे रहा है ये इस बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा है और हेड में 700-600 तो दे रहा है। साथ में आप लोग गेम के अंदर भी इस वाले शॉटगन से यूज़ करोगे इसको तो इसका जो रिलोड टाइम है ये बहुत ही कम है, 1 सेकेंड का भी नहीं है, 0.0 सेकेंड है मान लो। क्योंकि जैसे ही आप लोग इससे फायर करोगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर देख रहे हो जैसे ही फायर करोगे वैसे ही ये जो शॉटगन है ये रिलोड हो जाएगा। सो आप लोग फायर पर फायर कर सकते हो, अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। और अपडेट के बाद में बहुत ही अच्छा खासा गन आप लोग को मिल जाएगा, शॉट गन बहुत ही ओपी वाला। और प्रोफाइल के अंदर जाओगे अपडेट के बाद में तो वही आप लोग को जैसे प्रोफाइल के साइड पे ना आप लोग को ऐसा देखने के लिए मिलेगा जिसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे से आपने हाइस्ट कितना किल किया है, कितनी KD वगैरह ये सब आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। फियार में कितना आप लोगों ने किल किया है ये सब आपने जितना ज़्यादा किल किया आप अपने जो फ्रेंड से या जो भी आपकी आईडी देखेगा उसको आप लोग दिखा सकते हो। या फिर आप लोग CSPR सब सेट करके रख सकते हो। साथ में आप लोग यहाँ देख रहे हो जो वेपन है आपके पास ये गन है इसको भी आप लोग शो कर सकते हो कि मेरे पास ये गन है, कि मेरे पास ये इमोट है
और फिर आप लोग यहाँ पे सर ड्रेसेस हैं, मेकअप की स्किन से और ये सब आप लोग फेस वगैरह पे आप लोग यहाँ पे शो कर सकते हो कि आपके पास ये फेस है और आपके पास ये इमोट है, इनके स्किन है, ये बंडल्स है, ये आप लोग के जो प्रोफाइल है प्रोफाइल के नीचे जो ब्लैक कलर का अभी तो खाली रहता है बट अपडेट के बाद में यहाँ आप लोग शो कर सकते हो कि मेरे पास ये है। और ये तो वही आप लोग अपना जो आपके पास है इसको आप लोग फ्लिक्स कर सकते हो, सबको दिखा सकते हो कि मेरे पास ये है। सो सबको आपके जो भी प्रोफाइल देखेगा उसको पता चल जाएगा आपके पास में ये है, जो आप लोग फ्लिक्स कर सकते हो कि मेरे पास ये है ये देखो आप लोग सबको दिखा सकते हो। सो ये वाला अपडेट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लग रहा है और बाकी आपको फिर बहुत ही पसंद आएगा अपडेट के बाद में। और फिर गए सीखो जो लीला क्रिएटर है ना इसका जो एबिलिटी है ये पैसिव होने वाला है, ये तो आप लोग को पता होगा। बाकी इसका जो एबिलिटी है ये क्या काम करेगा तो गई सी लीला क्रिएटर से आप लोग किसी के ऊपर डैमेज दोगे तो उस बंदा का जो यहाँ पे 3 सेकेंड के लिए जो 10% जो मूवमेंट स्पीड है वो कम हो जाएगा और गाड़ी में डैमेज दोगे तो 3 सेकेंड के लिए जो गाड़ी का स्पीड है वो कम हो जाएगा 50%। सो बस इतना ही काम है लीला क्रिएटर का। लीला क्रिएटर को लेके या फिर इसकी एबिलिटी को लेके आप लोग किसी भी एनमी को डैमेज दोगे तो जो एनमी है इसका 10% जो मूवमेंट स्पीड है वो माइनस हो जाएगा और जो गाड़ी है इसका 50% जो मूवमेंट स्पीड है वो माइनस हो जाएगा बस 3 सेकेंड के लिए। और आप लोग सी एस रैंक खेलो के अपडेट के बाद में तो आपके ऊपर में ऐसा एम का जो आप पे लोगो टाइप ये आएगा और बाकी ये कैसे आएगा तो वैसे आप लोग जिस राउंड में जितना ज़्यादा मतलब इस राउंड में मैंने 3 किल किया तो यहाँ पे देख रहे हो मेरे ऊपर में एम आया और साथ में जो एनिमेशन आ रहा है चमक रहा है पूरा ऐसा आ रहा है बट ये जो रेड वाला जो बॉर्डर है ये रहेगा तो ही मैं चमकूंगी। बाकी ये जो चमकने वाला है ये उतना ही तक रहेगा, ये रेड वाला जो बॉर्डर है ये जैसे ही चला जाएगा तो ये जो एम है एम बस दिखेगा। लाइक आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये जो रेड वाला बॉर्डर है ये चला जाएगा फिर तो एम बस दिखेगा और ये जो एम रहेगा ये फिर कुछ देर टाइम के बाद में थोड़ी देर में चला जाएगा, मतलब आप लोग ज्यादा किल करोगे तो आपके ऊपर में एम आएगा। और अपडेट के बाद में जो मैप है ये चेंज हो जाएगा, लाइक आप लोग को पुराने वाले ओल्ड वाले बाय बाय की इस मैप को देख के। और फिर भी देखो आप लोग को अपडेट के बाद में मेलबॉक्स के अंदर में आप लोग को 4 गैजेट देखने के लिए मिलेगा, मेलबॉक्स के अंदर ही आप लोग को ऐसे ही मिलेगा। बाकी ये 4 कार्ड का अलग अलग काम है, आप लोग जो कार्ड को लोगे उसका बेनिफिट आप लोग को गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जब वो 46 का अपडेट आ जाएगा तब आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा और फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बाकी आप लोग यूज़ करोगे अपडेट के अपडेट आ जाएगा फिर आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। बस आप लोग जो भी कार्ड आपके पास रहेगा वो वाला आप लोग को जो बेनिफिट है वो मिलेगा। और अपडेट के बारे में अगर आप लोग एयरड्रॉप लूटने जाओगे तो एयरड्रॉप आप लोग ऐसे ही नहीं लूट पाओगे, जैसे ही जाओगे ऐसे ही नहीं लूट पाओगे। एयरड्रॉप पे यहाँ पे आप लोग को पूरा बर्फ वाला दीवार या फिर पत्थर का दीवार देखने के लिए मिलेगा और इसको आप लोग को फोड़ना पड़ेगा और इसको फोड़ोगे फिर तो एयरड्रॉप दिखेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे जो पत्थर का दीवार है इसको फोड़ रहा है तो वैसे यहाँ पे जो पत्थर का दीवार है ये फूटेगा तो साथ में जो एयरड्रॉप है ये फिर गायब हो जाएगा। लाइक आप लोग एयरड्रॉप को ऐसे नहीं लूट पाओगे, जैसे ही पत्थर के दीवार को तोड़ोगे तो आप लोग का जो लूट वगैरह एयरड्रॉप में सारा आप लोग का आ जाएगा, जैसे ही आप लोग पत्थर की दीवार को तोड़ेंगे। सो एयरड्रॉप के अंदर जाओगे तो ऐसे नहीं लूट पाओगे और फिर जैसे लूट पाते हो। बाकी यही सारे चेंजेस होने वाले आने वाले होंगे 46 के अपडेट में और कुछ भी जो चेंजेस है वो नहीं होने वाला है, जितना भी चेंजेस होने वाले हैं वो मैंने आप लोग को सारा दिखा दिया। और आप लोगों को कौन सा न्यू चेंजेस अच्छा लगा ये आप लोग कमेंट में बताओ, मुझे तो प्रोफाइल में जो शो होंगे आइटम सबको दिखा सकते हो वाला बहुत ही अच्छा लगा, बाकी आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा वो वाला। तो चलो गाइस मिलते हो आप लोगों को न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तो चलो बाय बाय।